स्कूल चलो अभियान का नारा देने वाला बेसिक शिक्षा विभाग अपने ही विद्यालयों के बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहा है। कक्षा एक से कक्षा दो तक के बच्चों को अभी तक उनकी किताबें नहीं मिल पाई हैं। अप्रैल में नया सत्र शुरू हो चुका है और कई महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक उन्हें किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानियाँ हो रही हैं। ऐसा ही नहीं है कि बच्चों को परेशानी है, शिक्षकों को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो बच्चों को कैसे पढ़ाएं और कैसे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, ये भी उनके लिए एक समस्या बनी हुई है। मुरादाबाद के दांग स्कूल में एक शिक्षिका ने ही अपने बच्चे की एक हिंदी की किताब लाकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में उनका ये कहना है कि बच्चों को एक ग्रुप बनाकर वो पढ़ा रही हैं, क्योंकि उनके पास एक ही किताब है जो उनके खुद अपने बच्चे की है। ऐसे में वो यहाँ लाकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। स्कूल में स्मार्ट बोर्ड भी ख़राब है, जिसकी वजह से उन्हें समस्याएँ हो रही हैं। ऐसा ही नहीं है कि कक्षा एक और कक्षा दो की किताबें बच्चों को नहीं मिल पाई हैं, कक्षा छः की भी एक किताब ऐसी है जो बच्चों को नहीं मिल पाई है। ऐसे में विभाग यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो आने वाले समय में बच्चों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विभाग द्वारा दी जाने वाली पुस्तक अभी तक नहीं मिल पाई है। कक्षा एक और कक्षा दो के बच्चों को पुस्तक न मिलने के कारण बच्चे सिर्फ स्कूल में समय बिताकर ही घर चले जाते हैं। विद्यालय के शिक्षक भी अब इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, जिसको लेकर वे लगातार स्मार्ट बोर्ड और अपने द्वारा लाई गई पुस्तकों से ही बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मगर पूरी तरह भरपाई नहीं हो पा रही। नया सत्र अप्रैल में शुरू हो जाता है, 3 महीने लगभग बीत चुके हैं, मगर अभी तक बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। मुरादाबाद के कचहरी रोड स्थित दाग स्कूल के शिक्षक का ये कहना है कि बच्चों को पुस्तक अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं अपने ही बच्चों की पुस्तक घर से लाकर ग्रुप में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। कैसे न कैसे कर बच्चों को हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं कंपोजिट विद्यालय दांग में कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कक्षा एक में और कक्षा दो में बच्चों को पढ़ाने में? एक तो यहाँ पर टीचर्स की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पर एक इंचार्ज है और 3 शिक्षा मित्र हैं। हर किसी को दो दो क्लासें लेनी पड़ रही हैं। मेरे पास 2nd क्लास और 4th क्लास बैठी है। दूसरी बात, यहाँ पर सोलर की बहुत कमी है, लाइट नहीं है, हमारी स्मार्ट क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। और बड़ी प्राइवेट बुक्स मेरे पास अपनी बच्चों की हैं, उनसे मैं बच्चों की तैयारी करा रही हूँ। जो भी ये बुक्स जो है वो आप अपनी प्राइवेट लेकर? हाँ, ये मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, इससे मैं पढ़ा रही, क्योंकि बच्चों को अभी बुक नहीं मिली है 2nd क्लास में। अच्छा, कक्षा एक से दो की पुस्तक नहीं मिली है? नहीं मिली है। कितना टाइम हो गया? लगभग 2-3 महीने हो गए। अप्रैल से बुक्स स्टार्ट हो जाता है सेशन, और अब जुलाई का लास्ट आ गया है। तो ऐसे में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें? मैं अपने पास ही कराती हूँ, जो मेरे पास नेट से निकल पाता है मैं वो लिखती हूँ, बुक से कराती हूँ अपने पास जो प्राइवेट बुक्स है। मुझे यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। इस स्कूल के एक शिक्षक का ये भी कहना है कि कक्षा एक और कक्षा दो के बच्चों को पुस्तक नहीं मिली है, साथ ही कक्षा 6 की एक पुस्तक भी बच्चों को अभी तक नहीं मिल पाई है। विभाग से लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कंपोजिट विद्यालय दांग, कक्षा एक की और कक्षा दो की पुस्तकें नहीं आई हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं आपको? अब दिक्कत तो है ही काफ़ी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ब्लैक बोर्ड पर कराना पड़ा है। जैसे कार्य पुस्तिका मिल जाएगी कक्षा एक की, तो उसमें आड़ी टेढ़ी लाइनें हैं, तो उससे बच्चे जल्दी सीखेंगे, हमें देना पड़ रहा वो भी काम। काफ़ी दिन बीत चुके हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, नेट से उस पर करवा रहे हैं। मतलब घर पे बच्चे कैसे रिवाइज करेंगे? जो हम काम देते हैं वही रिवाइज करके लाते हैं बच्चे। मतलब पुस्तकें ना होने की वजह से परेशानियां हैं आपको या नहीं? जी दिक्कत है। सबसे पहले कक्षा एक और दो की तो जरूरी आनी चाहिए। और कौन सी पुस्तक नहीं आई है? एक कक्षा 6th क्लास की हिंदी की बुक नहीं आई है। हिंदी की नहीं? जी। तो ये सारी पुस्तकें ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जी दिक्कत है। विभाग से कोई बात हुई आपकी? नहीं, ऐसी तो नहीं बात। आपने विभाग से बात की कि पुस्तक कब आएगी? कह रहे आ जाएगी जल्दी सर।